नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। दबदबा क्या है आज? छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सली ऑपरेशन पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर ऑपरेशन को फर्जी बता दिया। बीएसएफ ने कांकेर में एक बड़े ऑपरेशन के दौरान कई टॉप कमांडर समेत 29 नक्सलियों को मार गिराया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यह ऐसा पहला मौका है जब किसी मुठभेड़ में इतनी बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हों। सेना की इस बड़ी सफलता पर गृहमंत्री अमित शाह से लेकर सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से तारीफ की गई, लेकिन कांग्रेस को यह ऑपरेशन फर्जी लगता है। हालांकि भूपेश बघेल ने कुछ ही घंटों में यूटर्न ले लिया और ऑपरेशन के लिए सुरक्षा बलों को बधाई दी। हमारे शासनकाल में एक भी परमाणु बंदूक की जब्ती नहीं हुई, या तो सेना ट्री हुई, इंसास हुई, एक गोकुल समझ हुई, बड़े हथियार ही जब्त किए गए और बड़े नक्सली या तो सरेंडर किए या मारे गए। तो हम लोगों ने फर्जी इनकाउंटर नहीं किए, हमारे शासनकाल में कोई फर्जी इनकाउंटर नहीं। देखिए, हर चीज में इनको प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को भी उन्होंने मतलब काल्पनिक कहा, और ये तो उनके यहाँ की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है। अगर यहीं कहीं यहाँ किसी भी तरह से अगर ये फर्जी है तो उसको प्रमाणित करें। और ऐसे में कुछ सवाल है, वार पलटवार के बाद आइए उन सवालों का जिक्र कर देती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहला सवाल दहाड़ में जिस पर आज चर्चा होगी वो ये कि एंटी नक्सल ऑपरेशन पर आखिर सवाल क्यों उठा रही है कांग्रेस? लाल आतंक का सफाया कांग्रेस को क्यों पसंद नहीं आ रहा है? नक्सली एनकाउंटर को कांग्रेस क्यों फेक बता रही है? क्या चुनाव को देखते हुए ये सियासत हो रही है? और आदिवासियों को भड़काएंगे तो क्या 2024 में चुनाव जीत जाएंगे?